हाय हेलो फोर साइज टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका वेलकम करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं टॉलीवुड की खबरों पर। एक वक्त था जब हर कोई अपना काम खत्म करके टीवी के सामने बैठ जाता था और अपने पसंदीदा सीरियल का इंतजार करता था। पहले के दौर में परिवार के सभी सदस्य साथ में व एक ही छत के नीचे रहते थे, तो टीवी पर धारावाहिक देखने का मजा ही कुछ और था। वो दूरदर्शन का एक दौर था जब लोग बड़े चाव से अपने सीरियल का दूरदर्शन पर बेसब्री से इंतजार करते थे। जाने देश के पहले टीवी शो कौन सा था और पांच टॉप दूरदर्शन के सीरियल्स कौन से थे, आइए डालते हैं एक नजर। दूरदर्शन की शुरुआत साल 1959 में हुई थी, लेकिन 80 से 90 में ये सबसे ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हुआ। उस वक्त लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का यही सबसे बड़ा जरिया था। उस वक्त धार्मिक ग्रंथों और मशहूर किताबों पर बने सीरियल्स लोगों के दिलों में बस गए। आज भी लोग उन शोज को भुला नहीं पाए हैं। इनमें महाभारत, रामायण और मालगुड़ी डेज जैसे हिट सीरियल्स तक के नाम शामिल है। भले ही 80 और 90 के दशक में लोगों के लिए मनोरंजन के साधन सीमित थे, लेकिन उसमें भी काफी खुश थे। खैर, यहाँ एक नजर डालते हैं दूरदर्शन के टॉप 5 और सबसे ज्यादा यादगार सीरियल्स पर। सबसे पहले बात करते हैं टीवी सीरियल हम लोग के बारे में, जो दूरदर्शन पर साल 1984 से लेकर 1985 तक दिखाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूरदर्शन का पहला धारावाहिक हम लोग ही था। इस सीरियल के डायरेक्टर थे पी कुमार वासुदेव। शो की कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली और उसके स्ट्रगल के बारे में थी। हम लोग सीरियल ने लोगों के दिलों में अच्छी जगह बना ली थी, क्योंकि ये सीरियल पारिवारिक था। इसके बाद सबका फेवरेट मालगुड़ी डेज दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी शुरुआत दूरदर्शन पर साल 1986 में हुई थी। ये शो आर के नारायण की कहानियों पर बना था, जिसे शंकर नाग ने डायरेक्ट किया था। 80 और 90 के सबसे यादगार दूरदर्शन के धारावाहिकों में शुमार ये शो मालगुड़ी नाम के काल्पनिक कस्बे की कहानी को दिखाता था। अब बात करते हैं रामानंद सागर की रामायण के बारे में, जो 1987 में शुरू हुआ था। शो में अरुण गोविल ने राम और दीपिका चिखलिया सीता माता का रोल किया था। साथ ही सुनील लाहड़ी रामायण में लक्ष्मण बने और अरविंद त्रिवेदी ने रावण का रोल किया था। इस शो के लिए लोगों में इस कदर दीवानगी थी कि सीरियल के किरदारों को ही उन्होंने भगवान समझ लिया। दूरदर्शन की अगली लिस्ट में बीआर चोपड़ा की महाभारत का नाम तो आना ही था, जिसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। 34 साल पहले बने दूरदर्शन के इस सीरियल की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया है। पांडवों और कौरवों की कहानी को पूरे देश की जनता ने प्यार दिया था। पांचवें नंबर पर आता है दूरदर्शन के धारावाहिक बुनियाद का नाम, जो 1986 में शुरू हुआ था। इस शो को शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। इस सीरियल की कहानी एक पंजाबी परिवार और भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर थी। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।